आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल, मैंने देखी रेडियो जो है वो ऑन कर दिया, चला दिया और कहा कि रेडियो नियंत्रक कक्ष डकोटा डीएस 088 हियर, डकोटा डीएस 088 से बोल रहा हूँ, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने रास्ते पर हूँ, इंग्लैंड से मैं लौट रहा हूँ। ओवर, समाप्त। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और देखिए उस रेडियो से मुझे उत्तर मिला, यानी कि आवाज़ आई तुरंत ही। DS-088, आई कैन हियर यू। DS-088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। You ought to turn 12 degrees west now, DS-088, over. अब तुम्हें जो है 12 डिग्री पश्चिम को मुड़ जाना है, DS-088, समाप्त। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. और देखिए मैंने नक्शे और जो वो कंपास, देखिए आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने नक्शे और कुतुब नुमा का जो निरीक्षण किया, सर्च किया, फिर दूसरी और अंतिम जो लास्ट जो थी ईंधन टंकी उसका बटन दबाया और डकोटा के 12 डिग्री पश्चिमी इंग्लैंड की दिशा में मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, देखिए मैं नाश्ते के समय पर पहुंच जाऊंगा मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। देखिए अंग्रेजी नाश्ता बड़ा अच्छा होता है, सब ठीक चल रहा था, बड़ी अच्छी उड़ान थी, ठीक है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब देखिए पेरिस कोई 150 किलोमीटर मेरे पीछे रह गया था और स्टॉर्म क्लाउड्स, जब मैंने क्या है तूफानी बादल देखे, दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे, विशाल थे, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वे देखिए कैसे लग रहे थे, जैसे कि बड़े बड़े काले बादल, मतलब काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे वो, उस तरीके से वो बादल दिखाई दे रहे थे, ठीक है। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं नहीं उड़ सकता हूँ ऊपर, बट सॉरी एंड ओवर देम, उनके ऊपर मैं नहीं उड़ सकता हूँ, एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास जो है पर्याप्त तो वो भी नहीं है फ्यूल, ईंधन भी नहीं है, है ना, जो मैं उत्तर या दक्षिण की ओर जाना चाहूँ तो मैं जा सकूँ, वो भी नहीं है मेरे पास। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने देखिए विचार किया, मैंने सोचा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, पेरिस लौट जाना चाहिए, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस देखिए ना, मैं नाश्ता चाहता था सुबह का। टिल टेक द रिस्क आई थॉट, मैंने विचार किया, मैंने सोचा कि अब मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और देखिए मैंने क्या किया कि पुराने डकोटा का सीधे मैंने जो स्टॉर्म है तूफान में अंदर ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला काला हो गया था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और यह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था कुछ भी देखना,
जहाज से बाहर द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। देखिए वो पुराना जो जहाज है यानी कि यान जो है वो क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया, मुड़ गया, है ना, टेढ़ा मोड़ा होने लगा हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने देखी, अब कंपास में देखा यानी कि कुतुबनामा में देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मैं देखिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, अब देखिए कुतुबनामा जो है वो बार बार मुड़ रही थी, इधर गोल गोल घूम रही थी इधर से उधर। इट वॉज दैट, यह देखिए क्या था, इट वॉज डेड, देखिए वह जैसे मर गया था, खत्म हो चुका था, मर गया था नहीं, इट वॉज डेड, यह खत्म हो चुका था, जैसे इट वुड नॉट वर्क, यह देखिए अब काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और अन्य भी यंत्र जो है वो अचानक से क्या हो गए, खत्म हो गए, चलना याना बंद हो गए। टू वो भी यानी कि आई ट्राइड द रेडियो, अब मैंने कोशिश की रेडियो की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस नियंत्रण कक्ष, पेरिस नियंत्रण कक्ष क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ कोई भी उत्तर नहीं था, नहीं आया यानी कि। द रेडियो वॉज डेड टू, और देखिए रेडियो भी अब क्या हो गया, बेकार हो गया था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉच, अब मेरे पास देखिए कोई भी रेडियो नहीं था जिससे मैं बात कर सकूं, और ना ही मेरे पास कंपास था कुतुब नामा, ठीक है, और इसलिए मैं जान नहीं सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं देखिए तूफान में खो चुका था। देन तब इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब देखिए काले बादल मेरे पास आ गए। आई सॉ अनोदर एरोप्लेन, मैंने देखा एक अन्य यान। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उसमें देखिए उसके पंखों पर कोई भी प्रकाश नहीं था, लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रो द स्टॉर्म, लेकिन मैं देखिए क्या देख सकता था, मैं देखिए अपने आगे जो तूफान में से मैं उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, और मैं देखिए वो जो यान चालक था यानी कि जो एरोप्लेन को चला रहा था उसके चेहरे को अपनी ओर मुड़ा हुआ देख सकता था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनोदर पर्सन, मैं बहुत ज़्यादा खुश था किसी अन्य व्यक्ति को देख करके। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और वह उसने देखिए अपना हाथ जो है वो ऊपर को उठाया और हिलाया। फॉलो मी, मेरी तरफ फिर उसने फॉलो किया, मेरा पीछे किया, जैसे ही वॉज सेइंग, उसने कहा था, वह कह रहा था फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वह देखिए मुझसे कह रहा था कि मैं उसके पीछे चलूँ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो चुका हूँ। I thought, मैंने विचार किया, he is trying to help me, वह कोशिश कर रहा है मेरी मदद करने की, वह कोशिश कर रहा है मेरी। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota, और उसने देखिए धीरे से जो है अपना यान जो है वो उत्तर की दिशा की ओर मोड़ा और मेरे Dakota के सामने आ गया। So that I would be easier for me to follow me, और इसलिए देखिए मेरे लिए बहुत आसान हो गया उसको फॉलो करना, ठीक है। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child, और मैं बहुत खुश था देखिए आज्ञाकारी बालक की तरह मैं उस अजनबी यान के पीछे पीछे प्रसन्नता से यानी खुशी से चल रहा था। After an hour, और देखिए एक घंटे के बाद द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, देखिए एक घंटे के बाद भी वह जो अजनबी जो यान था वो मेरे सामने था, वो काल ठीक है बादलों में था मेरे सामने ही। नाउ अब देखिए देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, अब देखिए वहाँ पर
केवल देखिए देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल. अब देखिए केवल पर्याप्त ही क्या था, ईंधन था इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक, जो डकोटा का जो अंतिम टैंक था उसमें क्या उड़ान करने के लिए फॉर 5 और 10 मिनट्स, केवल 5 और 10 मिनट तक के लिए और वो उड़ सकता था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन. अब मैंने फिर से, अब देखिए मुझे क्या हो गया, डर लगना शुरू हो गया. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन तब वह देखिए उसने शुरू कर दिया था नीचे जाना और मैंने उसको क्या किया, तूफान में उसको फॉलो किया, उसका पीछा किया. यद्यपि सडनली अचानक देखिए आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड शो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. अचानक से देखिए मैं बादलों से बाहर निकल आया और मेरे सामने जो है वो क्या आ गई, बत्तियां जलती हुई. ठीक है, ये दो मुझे देखिए मेरे सामने बत्तियां जलती हुई आ गई. ठीक है, इट वॉज अ रन वे और यह यान जो है वो क्या था, यानी कि जो एरोप्लेन चलता है वो पटरी थी, एन एयरपोर्ट और एक हवाई अड्डा था यह. इट वॉज सेफ, अब यह मैं सुरक्षित था, सॉरी आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था. आई टर्न टू टुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. अब देखिए मैंने जो काला यान था यानी कि काला जो जहाज था उसमें बैठे हुए अपने मित्र को देखने के लिए सिर घुमाया, पर आकाश जो था सिर घुमाया पर आकाश जो था है ना, देयर वॉज नथिंग देयर, यानी कि वहां पर कोई भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, और देखिए काला जो यान था वो अब जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनी मो एनी वेयर, और मैं ये देखिए कहीं भी अब कुछ नहीं मुझे दिखाई दिया था. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. और देखिए मैं जो मैंने जहाज को यानी कि यान को एरोप्लेन को उत्तर दिया और अपने पुराने डकोटा में से मैंने क्या किया, नियंत्रण टावर के निकट मैं क्या हो गया, पैदल चलकर जाने में क्या हो गया मैं. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. देखिए मैं वहाँ पर जाने में क्या हो गया था, बहुत मुझे कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि मैं गया और मैंने क्या किया, नियंत्रण केंद्र में बैठी हुई जो महिला थी उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ और जो दूसरा एरोप्लेन चला रहा था जो ड्राइवर वो कौन था, मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ. सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, उसने मुझे आश्चर्य से देखा और हंस पड़ी. अनोदर एरोप्लेन, दूसरा यान अप देयर इन दिस स्टॉर्म. देखिए इस तूफानी रात में वहां पर कोई यान उड़ रहा था? नो नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात देखिए वहां पर कोई और यान था ही नहीं. ठीक है, कोई भी नहीं उड़ रहा था. योर्स वॉज वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडर, तुम्हारा ही केवल अकेला क्या था, एरोप्लेन था जिसे मैंने उस रडार पर देखा. ठीक है, रडार पर. सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो. तो फिर ये बताइए किसने मुझे यहाँ सुरक्षित पहुँचाने में मेरी हेल्प की, मदद की, बिना किसी रेडियो के बिना किसी कंपास के, मेरे पास कुछ नहीं था. एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और कोई भी मेरे पास ईंधन नहीं था मेरे टैंक में. ठीक है, हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और कौन था वो उस अजनबी जो काला यान था उसका पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उड़ रहा था उस तूफान में विदाउट लाइट्स, बिना किसी प्रकाश के. आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर.